माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आपको LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड पेपर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको पढ़ाएंगे। यूनिट 1 का सिलेबस है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्रपोजल, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, जनरल स्पेसिफिक ऑफर, इन्विटेशन ऑफ ट्रीट, एक्सेप्टेंस, डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, टेंडर और ऑक्शन। आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 में आपको क्या पढ़ाया गया था पहले इस क्वेश्चन को रिपीट कर दें, लेक्चर 2 के फिर आपको लेक्चर 3 पे आज दिया जाएगा। लेक्चर 1 में जिस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, स्टेट द मीनिंग एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर, व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड जनरल ऑफर, वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व क्या हैं, समान प्रस्ताव और प्रस्ताव में क्या अंतर होता है। तो प्रपोजल को सेक्शन 2A में बताया गया था, एलिमेंट बताए गए थे कि दो पार्टी होती है, एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरी पार्टी इस प्रपोजल को स्वीकार करती है, हर प्रपोजल को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है, प्रपोजल कैसा होगा लीगल रिलेशनशिप को बनाने वाला होगा, प्रपोजल कैसा होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए निश्चित होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस किया गया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बालफोर वर्सेस बालफोर, लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये 3 इम्पॉर्टेंट केस डिस्कस किए गए थे। प्रपोजल के टाइप बताए गए थे, जनरल प्रपोजल, स्पेसिफिक प्रपोजल और क्रॉस प्रपोजल, ये लेक्चर 1 में आपको बताया गया था। अब लेक्चर 2 में कौन सा क्वेश्चन बताया गया था वो भी आपको बता दें। लेक्चर 2 में जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया था, एक्सप्लेन द एसेंशियल एंड लीगल रूल्स फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्वों को बताइए। तो एक्सेप्टेंस को कहाँ दिया गया था, सेक्शन 2B में। एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या थे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एक्सेप्टेंस को वही व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है जो खुद हो, सेल्फ हो, खुद ऑथराइज पर्सन हो या फिर उसके द्वारा कोई अपॉइंट एजेंट हो। एक्सेप्टेंस कैसी होगी, कंडक्ट ऑफ पार्टीज से शो हो सकती है, एक्सप्रेस और एम्प्लाइड दोनों हो सकती है, और एक्सेप्टेंस में कोई भी कंडीशन नहीं लगी होनी चाहिए। ये आपको डिस्कस किया गया था लेक्चर 2 में, और इसके इंपॉर्टेंट केस भी डिस्कस किए गए थे, फेल्ट हाउस वर्सेज बिंडले डिस्कस किया गया था, पावेल वर्सेज ली डिस्कस किया गया था, और नेक्स्ट केस जो डिस्कस किया गया था वो हाइड वर्सेज रेंच डिस्कस किया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस किए गए थे लेक्चर 2 में। आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, संविधान निर्माण की क्या शर्तें होती हैं, सभी संविधा करार हैं लेकिन सभी करार संविधा नहीं है, इस पर कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन लेक्चर 3 में आज डिस्कस किया जाएगा। तो जो लेक्चर 3 का जो क्वेश्चन डिस्कस होगा ये कब कब आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कब आया आपको ये भी बता दिया जाए कि अनसॉल्व्ड में ये कब कब क्वेश्चन आया है। अनसॉल्व्ड में ये क्वेश्चन आपको बता दें कब कब आया है क्वेश्चन, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको कब दिया गया है, 2013 में जब आप देखिए तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2013 में नहीं पूछा गया है, ये 2013 में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, जो 2014 में नहीं 15 में जब आप आएंगे तो 15 में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ये आपको पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट पूछा गया है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 में लॉन्ग के रूप में आया है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, डिस्कस द स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सभी करार संविदा नहीं हैं परंतु सभी संविदाएं करार हैं, इस कथन को समझाते हुए विधिमान संविदा के आवश्यक तत्वों को बताइए। तो 2018 में ये लॉन्ग में आया था, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, आपने देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेक्चर 3 का क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दोबारा से फिर से पढ़ के बता दें तब इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, ये लेक्चर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट कमेंट, ये क्वेश्चन किन किन चीज़ों को बता रहा है, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप,
कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसीडेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वाइड, लीगल फॉर्मेलिटीज़, ये सारे पॉइंट्स को लेकर डिस्कस कर रहा है। तो अब आपको इसके मतलब बताएंगे और मीनिंग पूरा एक्सप्लेन करेंगे। एवरी वन ऑफ अस इंटर इनटू ए वेरियस कॉन्ट्रैक्ट इन हिज डेली लाइफ। व्हेन ए पर्सन बायज पेन, लेंड्स ए बुक टू हिज फ्रेंड, टेक ए सीट इन ए बस और गोज टू ए रेस्टोरेंट एंड हैज स्नैक्स, इन ऑल दीज एंड मेनी सिमिलर सिचुएशन ए कॉन्ट्रैक्ट इज नीड। Also, may contract are entered into by business man in individual course of carrying on the business. Thus, the law of contract is applicable not only to business community but also to other. It touches every aspect of our life. कह रहे हैं कि हम रोज डेली लाइफ में संविदा का निर्माण करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। जैसे हम किसी पेन को ख़रीदने जाते हैं, किताब को लेने जाते हैं अपने फ्रेंड से, बस में सीट लेते हैं या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये सिमिलर कई तरीके की स्थितियां होती हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और हम कॉन्ट्रैक्ट में केवल व्यवसाय करने वाले लोग ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति भी एंट्री लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हर जीवन के हर एक पक्ष को हमारे छूता रहता है। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दी गई है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच द लॉ विल इन्फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, एग्रीमेंट कब बनेगा, जब दो और दो पक्षकार होंगे और विधि उन्हें क्या करेगी, लागू करेगी। तो सेक्शन 2H में डेफिनेशन बताई गई है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स बाय लॉ। एक संविदा तभी करार होता है जब उसे विधि द्वारा लागू कर दिया जाता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है, एन एग्रीमेंट comes into existence by the process of offer by one party and its unqualified acceptance by from other party. करार तब बनता है जब एक पक्षकार प्रस्ताव करता है और दूसरा पक्षकार बिना उसी किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है। A proposed to sell his car for ₹20,000 as soon as he signifies his assent that proposal a contract took place between A and B. बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं 20,000 की कार बेच रहा हूँ या 10,000 की बेच रहा हूँ, जैसा भी वो प्रपोजल करता है, तो वो क्या माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में वो एंट्री कर रहा है कि एक व्यक्ति प्रपोजल कर रहा है। अगर दूसरा व्यक्ति उस कार को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा कि वो प्रपोजल एक्सेप्टेंस पूरा हो गया है, वो प्रपोजल एग्रीमेंट पूरा हो गया है। एन एग्रीमेंट में भी है सोशल एग्रीमेंट और ए लीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। ए सोशल एग्रीमेंट इज़ दैट विच डज नॉट गिव राइज टू ए लीगल रिजल्ट। सोशल जो समाज में हम करार करते हैं वो कोई उसका कोई विधिक परिणाम नहीं होता है। इन केस ऑफ इट्स ब्रीच द पार्टीज कैन नॉट गो ऑफ द लॉ कोर्ट टू इन्फोर्स ए राइट। जब हम क्या करते हैं, वो पार्टियां पक्षकार न्यायालय नहीं जा पाते हैं जब हम सामाजिक करार करते हैं। जब लेकिन लीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे ही हम विधिक करार करते हैं अगर उसको तोड़ा जाता है तो हम कोर्ट चले जाते हैं। बोला भी गया ए लीगल एग्रीमेंट इज दैट विच गिव राइज टू ए लीगल रिजल्ट एंड रेमेडीज इन द लॉ कोर्ट इन केस ऑफ इट्स ब्रीच। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, लीगल एग्रीमेंट। सबसे पहले लीगल एग्रीमेंट कैसे होता है, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एक करार होगा। दिस इन्वॉल्व्स टू पार्टीज, वन पार्टीज मेक द ऑफर एंड द अदर पार्टी एक्सेप्ट इट। विधिक करार कैसे बनता है, जब उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक पार्टी प्रस्ताव करती है और दूसरी पार्टी इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तब वो करार बनता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। एग्रीमेंट ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस नेचर डू नॉट लीगल रिलेशंस एंड देयरफॉर डू नॉट गिव राइज टू ए कॉन्ट्रैक्ट। सच एन एग्रीमेंट टू गो टू सी ए मूवी और टू हैव लंच टुगेदर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। सिमिलरली एग्रीमेंट हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्जेक्शन इन केस बालफोर वर्सेज बालफोर। देखिए, जब भी पार्टी को लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, एग्रीमेंट ऐसा होता है कि एग्रीमेंट कह रहा है कि सोशल नहीं होगा, मॉरल नहीं होगा, रिलीजियस नहीं होगा, ये इस तरह के एग्रीमेंट जो होते हैं वो कभी भी संविदा का रूप नहीं ले पाते हैं। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, अगर कोई पार्टी कहे कि हम तुम्हें पिक्चर दिखाने ले जा रहे हैं, खाना साथ में खाते हैं, तो इनका कोई लीगल इंटेंशन नहीं होता है कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करें। हस्बैंड वाइफ भी बहुत आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कभी प्रॉमिस करते रहते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। जैसे कि बालफोर वर्सेस बालफोर के केस में हुआ, आपको इस केस को यूनिट 1 में भी डिस्कस किया गया था,
जब बालफोर वर्सेस बालफोर का केस बताया गया तो फिर से बोल दें, बालफोर वर्सेस बालफोर ऑन लिविंग इंग्लैंड फ्रॉम सीलोन द हस्बैंड एग्री टू पे 30 pounds टू हिज वाइफ एवरी मंथ टिल शी रिमेन इन इंग्लैंड एज ही फेल टू सेंड द प्रोमिस अमाउंट रेगुलरली द वाइफ सूट हिम टू द रिकवर री अमाउंट बट हर सूट वॉज डिसमिस ऑन द ग्राउंड डेट इट वॉज इन फॉर्मल एग्रीमेंट एंड देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस केस में भी हुआ कि उसने क्या किया कि भाई एक हस्बैंड वाइफ थे और उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि उसकी वाइफ जब तक इंग्लैंड में रहेगी तब तक वो 30 pounds देता रहेगा, वो जब छोड़वा था इंग्लैंड, लेकिन बाद में उसने कुछ समय दिया और बाद में पैसों को देने से मना कर दिया। तो उसकी वाइफ ने केस फाइल किया कि जो अमाउंट बचा है वो अमाउंट दे दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, कहा कि ये एग्रीमेंट क्या था, एक अनौपचारिक करार था पक्षकारों के बीच में आपस में तय हुआ था, इसका इंटेंशन कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना नहीं था, तो ऐसे केस को डिसमिस कर दिया जाए। आपने लेक्चर वन में भी इस केस को लॉन्ग में पूरा डिस्क्राइब किया गया था। कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम होनी चाहिए। तो सक्षम क्या होता है, इस वर्ड को भी कॉम्पिटेंट को भी मैं अभी डिस्क्राइब करके आपको बताऊंगी। द पार्टी मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट एज रिगार्डेड एज एंड अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ द एज ऑफ मेजोरिटी इज ए साउंड माइंड एंड नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट दस देयर मे बी ऑफ लॉ इन कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी ड्यू टू माइनॉरिटीज और अदर स्टेटस। इफ ए पार्टी सफर फ्रॉम एनी ऑफ दीज फ्लूज एन एग्रीमेंट विच सू ए पर्सन इज वाइड एंड इज नॉट इन्फोर्सिबल एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। तो कॉम्पिटेंट का मतलब आपको सरल भाषा में बता दें कि पक्षकार कैसे होने चाहिए, सक्षम, कौन सक्षम होगा, जो व्यक्ति 18 साल का हो जाएगा, जिसका दिमाग स्वस्थ होगा और जिसको किसी विधि ने अयोग्य घोषित नहीं किया होगा। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, 18 साल से कम का है, या फिर बेवकूफ़ है, या फिर जिसका दिमाग कम है, मूर्ख है, ऐसे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं माने गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट है लॉफुल कंसीडरेशन, द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन ऑन बोथ साइडेड, ईच पार्टी टू द एग्रीमेंट मस्ट गिव और प्रॉमिस समथिंग एंड रिसीव समथिंग ऑफ ए प्रॉमिस इन रिटर्न। कंसीडरेशन इज द प्राइज फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज सॉट, हाउ एवर दिस प्राइज नीड नॉट टू बी इन टर्म ऑफ मनी। इन केस द प्रॉमिस इज नॉट सपोर्टेड बाय द कंसीडरेशन, तो ये देखिए क्या कह रहा है कि एग्रीमेंट में कंसीडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, विधिपूर्ण प्रतिफल। इसका मतलब एक पार्टी कुछ दे और दूसरी पार्टी भी उसको क्या करे उसके बदले में, एक पार्टी अगर प्रॉमिस करती है तो दूसरी पार्टी उसको उस प्रॉमिस के बदले में, उस वचन के बदले में कुछ रिटर्न करती है। कंसीडरेशन क्या होता है, एक तरीके का मूल्य माना जाता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मनी के रूप में हो। हम क्या कर सकते हैं, कुछ और प्रॉमिस करके भी इसको कर सकते हैं। मोर एवर द कंसीडरेशन मस्ट बी रियल एंड लॉफुल, कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, वास्तव में सही होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू भी इसको बताऊं, यहाँ पर नहीं मेंशन है, बता दूं समझाने के लिए, कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी कार को 10,000 rupees में बेच रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं आपकी कार 10,000 rupees में खरीदने को तैयार हूँ। तो जो 10,000 rupees है क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा, प्रतिफल माना जाएगा, बिना इस प्रतिफल के विधिपूर्ण से प्रतिफल की संज्ञा में या श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब मनी भी हो सकता है और सामान के बदले में सामान भी कुछ हो सकता है। पांचवा पॉइंट है फ्री कंसेंट, द कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री एंड जेन्युइन, द पार्टीज मस्ट हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ देयर ओन फ्री विल। कंसेंट इम्प्लाइज एग्रीमेंट अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एंड फ्री कंसेंट इम्प्लाइज कंसेंट विच इज नॉट टेकन बाय कोअर्जन एंड डू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। इसका मतलब जो कंसेंट होगी वो कैसी होनी चाहिए, कंसेंट का मतलब होता है सहमति, पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, तभी संविदा के अंदर वे क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो एंट्री माने जाते हैं। सहमति कैसी हो सकती है, कभी कभी वो कह रहे हैं कि सहमति क्या हो सकती है, फ्री कंसेंट क्या हो सकती है, इम्प्लाइड होती है, पक्षकारों के व्यवहारों से भी पता चलती है, लेकिन कोई भी सहमति वो कोअर्जन एंड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से ली जाए तो उसको सहमति नहीं माना जाएगा। कोअर्जन मतलब होता है उत्पीड़न, एंड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर डालना किसी पे, फ्रॉड का मतलब होता है कपट करना, मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, मिथ्या वर्णन करके लेना, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती से। इस तरह की अगर कोई कंसेंट किसी से हासिल की जाएगी तो वो पूरी तरीके से शून्य मानी जाएगी,
क्योंकि इस तरह की कंसेंट क्या है, पूरी तरीके से शून्य मानी जाएगी, वाइड मानी जाएगी। वाइड का मतलब कह सकते हैं कि बहुत सरल शब्दों में जिसका कोई भी किसी भी तरीके से जिसको कोई भी मान्यता ना मिले, जिसको किसी भी तरीके से रिकग्नाइज्ड नहीं किया जाए। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विधिपूर्ण उद्देश्य। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए एग्रीमेंट का? लॉफुल होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, द ऑब्जेक्ट वुड बी अनलॉफुल इफ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है विधिपूर्ण नहीं है, तो विधि द्वारा उसे मना किया गया है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड नहीं माना जाता है। ऐसा ऑब्जेक्ट क्या होगा जो मॉरल्टी के खिलाफ हो, जब किसी पर्सन के खिलाफ हो, प्रॉपर्टी के खिलाफ हो, वो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? विधिपूर्ण नहीं माने जाते हैं। हमेशा चीज़ों का ऑब्जेक्ट क्या होगा? बिल्कुल सही होना चाहिए। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आपका पॉइंट नंबर 7 हो गया। तो द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। कैसी होनी चाहिए? सर्टेन होना चाहिए करार, और पक्षकार उसका पालन करें। अगर पक्षकार उसको पालन ही नहीं कर रहे हैं तो एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताया गया कि इफ़ ए एग्री टू सेल टू बी 100 लीटर ऑफ ऑयल ₹10 पर लीटर, द एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सबल एज देयर इज़ नथिंग टू शो द टाइप ऑफ ऑयल बींग सोल्ड। हम कहते हैं कि हम तेल बेच रहे हैं 100 लीटर ₹10 में, लेकिन ये नहीं बता रहे किस तरीके का तेल बेच रहे हैं। तो ये क्या है? सर्टेन चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सके, इसीलिए इसे सर्टेन नहीं माना जाएगा। इसे एग्रीमेंट के रूप में, करार को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं ले सकते हैं। तो और चीज़ें आपको क्या है? एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वाइड। अब हर करार को हम वाइड डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। द एग्रीमेंट मस्ट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर एज वाइड। कुछ एग्रीमेंट जो होंगे क्या होंगे? एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड हो जाएंगे। कैसे? अगर किसी एग्रीमेंट में कोई एग्रीमेंट क्या है, हमारी कंट्री के खिलाफ बनाया गया है, तो ऐसा एग्रीमेंट पूरी तरीके से वाइड है, जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बनाया गया हो, जो किसी चीज़ को रोकता हो। उसी का एग्जाम्पल भी बता दें कि दे आर सर्टेन टाइप ऑफ एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर वाइड। कुछ एग्रीमेंट पूरी तरीके से शून्य होंगे, बेकार होंगे। कौन कौन से? जो लाइक एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड और लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट विद अ सर्टेन मीनिंग। इन सच केस इवन इफ द एग्रीमेंट पजेसेस ऑल द एलिमेंट ऑफ द वैलिड एग्रीमेंट, इन विल नॉट बी इन्फोर्सबल बाय लॉ। तो कह रहे हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो विवाह करने पर रोक लगाते हों, व्यापार करने पर रोक लगाते हों, पदम करार हो, पदम का मतलब होता है बाजी, इसका मतलब आप बता सकते हैं कि वेजरिंग कर एग्रीमेंट होते हैं, और इनका कोई मीनिंग ना हो, इस तरीके के एग्रीमेंट को कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा। लीगल फॉर्मेलिटीज़ का मतलब होता है विधिक औपचारिकताएँ क्या क्या होंगी। द प्रिस्क्राइब लीगल फॉर्मेलिटीज़ ऑफ राइटिंग रजिस्ट्रेशन मस्ट बी ऑब्जर्व वेयर एवर रिक्वायर्ड। सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी, लिखित में होगा, रजिस्टर्ड होगा, जितने भी कंडीशंस होंगी। द एग्रीमेंट में भी ओरल और इन राइटिंग, ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है, लेकिन वेयर इट इज़ टू बी इन राइटिंग इट मस्ट कम्प्लाई विद द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू राइटिंग। राइटिंग में होना चाहिए, स्टैंप लगा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसको अटेस्ट होना चाहिए, सब इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। सम ऑफ द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड इन राइटिंग आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और दोज रिलेटिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग, सम कॉन्ट्रैक्ट विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो राइटिंग में होने चाहिए? बीमा के संविदा, मध्यस्थम करार, जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? लिखित होने चाहिए। और कौन से रजिस्टर्ड होने चाहिए? विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू म्यूचुअल प्रॉपर्टी, प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन नियर रिलेशंस। तो ये कह रहा है कि अगर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर हैं, अचल संपत्ति को लेकर हैं, बिना किसी प्रतिफल के जब हम प्राकृतिक और स्नेह के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो वो भी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। इफ़ द एग्रीमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज़ इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ। अगर कोई भी एग्रीमेंट सभी शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो विधि के द्वारा इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस की मेन चीज़ें जो याद रखनी है लेक्चर 3 में, कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है कि कब संविदा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सभी संविदाएं जो एग्रीमेंट हैं, बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टीज़ को आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी, एग्रीमेंट को वाइड डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हों।
सिंपल भाषा में कह दिया जाए कि सबसे पहले करार बनेगा, फिर विधिक संबंध हो, पार्टी कैसी होनी चाहिए, 18 साल की होनी चाहिए, मेजर होगी, माइनर नहीं होगी, माइनर का मतलब होता है 18 साल से कम, विधिपूर्ण प्रतिफल होगा, कंसेंट फ्री होगी, फ्री कंसेंट का मतलब कैसे होता है कि वो कोअर्जन के द्वारा, मिस्टेक के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं ली गई होगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, सर्टेन होना चाहिए, उसका पालन करने की क्षमता होनी चाहिए, और एग्रीमेंट को डिक्लेयर वाइड नहीं किया जाएगा, और सभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को, उसका मतलब लिखित हो, रजिस्टर्ड हो, और सारी की सारी क्वालिफिकेशन को पूरा करता हो जो सेक्शंस में बताई गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है लेक्चर 3 का, जिसमें प्रूव होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका आंसर पूरा हो गया है। आप इसको डेफिनेशन को याद रख लेंगे, सेक्शन 2H में डेफिनेशन दी गई है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ, कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कब बनेगा, जब उसको विधि के द्वारा लागू किया जाएगा। और इसके आप पॉइंट्स भी याद कर लेंगे कि लीगल एग्रीमेंट होता है, पार्टी में रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, सर्टेन होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगा, और एग्रीमेंट वाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, लेक्चर 3 का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।